डेट दिया है और मंथ है हमारा अगस्त और डे बैनर पे है। जैसे अब नेक्स्ट डे आएगा तो हमें इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा और मंथ चेंज करना होगा तो हम इसे यहाँ से रोटेट करेंगे, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। इसमें सभी मंथ हैं आपके और डे को हम ऐसे यहाँ से रोटेट करेंगे तो नेक्स्ट डे आ जाएगा। इस तरह से बच्चा डेली इसको कर सकता है और सीख सकता है कैलेंडर के बारे में, नोटिफिकेशन। तो थर्ड जो है मेरा ये है, मेरा ये है, इसके लिए जो मैंने एक कुछ कलेक्शन ऑफ गेम्स हैं इसमें और उसे मैंने वेबसाइट पे डाल रखा है। इसके लिए आप इसको स्कैन करके मोबाइल में, क्योंकि आजकल ICT का जो है वो एक एज है, QR कोड गवर्नमेंट ने जो है सभी टीचर्स को भी टैबलेट दे रखे हैं और बच्चों को भी दे रखे हैं। इसमें बच्चा स्कैन करके और अलग अलग गेम खेल सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, असेंडिंग ऑर्डर, डिवीजन, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से बहुत ही हैं। और कुछ गेम तो इसमें इंटरेक्टिव इतनी हैं कि बच्चा जो है सिर्फ बोल के अगर उनका उत्तर देगा और उसने सही जवाब दिया तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसको सही जन्म कहाँ से प्राप्त होता है। जो हमें मतलब जो ह्यूमन सोर्सेज से मिलता है उसके बारे में ये है, इसके प्रकार की नहर, तालाब, कुआ, नलकूप और ट्यूबवेल वगैरह, ये तो है ह्यूमन सोर्सेज। और जो हमें नेचर से मिला है वो पानी हमें कहाँ से मिलता है, समुद्र से, वर्षा से, नदी, झरने और जो भूमिगत जल है, ठीक है सर। और टाइप्स ऑफ पोलियन बच्चे को मतलब जो बहुभुज हैं उनके प्रकार समझाने की, जैसे पेंटागन है, इसके 5 स्ट्रेट एंगल्स होते हैं और ये हेक्सागन है, ये ट्रेपेजॉइड है और ये जैसे स्क्वायर है, इन सबको मतलब डिफाइन करना है बच्चे को। जैसे पिक्चर देखेगा तो उसके माइंड में ये सम विषम पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद इसमें से बच्चे छांट कर डालेंगे, जो सम है वो सम में और जो विषम है वो विषम में डालेंगे। और ये बच्चों को जैसे डेज ऑफ द वीक पुराने कराने के लिए, हाँ जी, इसमें से अगर ये आपने दिखाया है और उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है ये सम है तो सम में डालो, विषम है तो उसे विषम में डाल दीजिए। ये बच्चों को लर्न कराने के लिए है, ये डेज ऑफ द वीक है और ये बॉडी पार्ट्स दिखाकर तो बच्चे अपने आप को भी वही देखेंगे और उसके बाद। और ये 3 लेटर्स वर्ड्स हैं। मैं चंचल रानी, GMSPA सेक्टर 55 में कार्यरत हूँ। आज मैंने बच्चों के लिए कंपाउंड वर्ड्स का चार्ट बनाया है जिसमें हम बच्चों को समझा सकते हैं कि जैसे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, बटन है, फ्लाइंग है, अलग वर्ड है, लेकिन जब हम इन वर्डों को कंबाइन करते हैं तो एक नया वर्ड निकल के आता है, बटन। विद पिक्चर हम उसको इन चीज़ों को समझ।